हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू वी फ्री माई सोल्यूशन। जैसे कि हमने चैप्टर 18.3 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में सिमिलैरिटी का, और सिमिलैरिटी बहुत दिन से चल रहा है और इसका एक्सरसाइजेस इतना सारा है, इतने सारे क्वेश्चंस है, टाइम तो लगेगा। देन आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.4 और ये लास्ट पार्ट है, और आज इसे हम टोटली कंप्लीट करके ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 18.4 के पहले देखिए पेज नंबर 255 में, 255 में इस तरह का एक थ्योरम दिया हुआ है, ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। और ये बहुत ही ईजी है, टू ट्रायंगल्स है और उसे ये दिखाना है कि इक्वी एंगुलर है कि नहीं, ठीक है। और जब इक्वी एंगुलर होगा तो परस्पर समरूप दैट इज सिमिलर भी होगा, सिमिलैरिटी भी होगी, ठीक है। तो ये आप 48 थ्योरम कर लीजिएगा खुद से ही, ठीक है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी इस तरह का दो ट्रायंगल है और एक ही बेस पे स्थित होता है, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, एबीसी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरह एक कोई लंब है, एडी एक लंब है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल बनता है छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी प्रमाणित कर दिया है कि जो बड़ा ट्रायंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा, और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके साथ इक्वी एंगुलर होगा। तो जब ये बड़ा जो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इक्वी एंगुलर होगा एबीडी के, एंड एबीसी एबीसी इक्वी एंगुलर होगा एडीसी से, एडीसी, तो ये बोथ एक दूसरे के साथ भी इक्वी एंगुलर होंगे, ए बी डी इक्वी एंगुलर टू ए डी सी, ठीक है। तो ये चीजें या ये एप्लीकेशन यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, तो ये चीजें यूज होंगी यहाँ पे, इसलिए मैं आप लोग को करके दिखा दूंगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि ए डी लंब ऑन बी सी या समथिंग लंब, जहां पे परपेंडिकुलर वाली बात आती है, वहां पे ये सिमिलैरिटी या फिर इक्वी एंगुलैरिटी होगी ही होगी, ठीक है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एबीसी का एंगल एबीसी 90 डिग्री है, बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, बीडी 8 सेंटीमीटर, एडी 5 सेंटीमीटर, तो सीडी की लंबाई ज्ञात करें। फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके ओके, तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है। यहां पे मैं ए लेती हूँ, यहां बी और यहां सी लेती हूँ, ठीक है, और यहां पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। यहां से बीडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू ओके सॉरी यहाँ प्रूफ नहीं करना है, डीसी का वैल्यू निकालना है, ये डीसी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री ये गिवेन है, ठीक है, एंड बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी है। हेंस जैसे कि मैंने बताया कि जो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं हम, हेंस एबीडी ट्रायंगल एबीडी इज इक्वी एंगुलर टू एबीसी, सॉरी एबीडी एबीसी, ठीक है, इसे नंबर 1 दे देते हैं। अगेन अगेन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो कि यहां पे बन रहे हैं बीडीसी, बीडीसी इज इक्वी एंगुलर टू ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया था सेम वैसा ही हम फॉलो कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वी एंगुलर है तो ये भी होगा इक्वी एंगुलर, एंड हेंस हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वी एंगुलर टू ट्रायंगल बी डी सी, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी आर इक्वी एंगुलर एंगुलर, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इक्वी एंगुलर होंगे। और जब इक्वी एंगुलर होता है तो साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये और ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो साइड्स भी इनके प्रोपोर्शनल होंगे। इसका साइड क्या है, एडी है छोटे वाले का, तो एडी बाय बीडी हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां 90 डिग्री आ रहा है, तो एडी बाय बीडी होगा, ठीक है, एडी बाय बीडी इक्वल्स बीडी बाय डीसी, बीडी बाय डीसी, बीडी इसका ही है, ठीक है, सॉरी एडी बाय बीडी, इस ट्रायंगल का एडी दूसरे ट्रायंगल के बीडी के समानुपातिक होगा, इसके ये इसके साथ होगा, एंड बीडी दूसरे ट्रायंगल का बीडी पहले ट्रायंगल का बीडी ये
इसके साथ समानुपाती होगा डीसी के साथ में, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन बन रहा है क्योंकि एंगल की वजह से हो रहा है, और कभी कभी मुझे भी नहीं समझ में आता था कि ये इस तरह ही क्यों लिख रहे हैं हम, थोड़ा डिफरेंट भी क्यों नहीं लिख सकते हैं, या फिर ए बी बाई बी सी क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसका कुछ रीजन होता है, और आपके बुक में भी ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहां पे भी ऐसे ही किया हुआ है, तो भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो प्लीज इसे थोड़ा सा आप रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में गलतियां हो जाती है। तो ओके, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल्स ए डी इंटू डी सी, ठीक है। बी डी स्क्वायर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डीसी, तो हम डीसी को सेट लेते हैं, डीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर बाई ए डी, ठीक है। अब देखो वैल्यूज भी दिया हुआ है, आई थिंक वैल्यूज दिया हुआ है, कितना बी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ए डी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बी डी की जगह पे हम 8 का स्क्वायर और ए डी की जगह पे 5, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64/5, इसे हम डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 64/5 को, तो कितना आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो बी डी की लंबाई कितनी होगी 12.8 सेंटीमीटर, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो इसी के साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी समकोण है, सेम हमने वही फिगर किया है, एंगल बी समकोण ले लिया है, ठीक है। एंड बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 16, देन बी डी और ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, ए डी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सी डी 16 सेंटीमीटर, सी डी 16 सेंटीमीटर, तो हमें किसका वैल्यू, बी डी और ए बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसे करते हैं, यहाँ पे भी सेम थिंग लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। ओके, एंड ऑल्सो टू ट्रायंगल्स आर फॉर्मिंग हियर, दैट इज ए बी टी एंड बी डी सी, बी डी सी, ठीक है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं जो क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वीएंगुलर होंगे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल से दो एक परपेंडिकुलरिटी आती है कि बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यहाँ पे लिखना होगा बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, देन दो जो ट्रायंगल बनते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्वीएंगुलर होते हैं, दैट इज ए बी डी एंड बी डी इज हियर इक्वीएंगुलर, ठीक है, इक्वीएंगुलर होंगे। तो इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स आर हेंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज सेम थिंग, ए डी बाई बी डी इक्वल्स बी डी बाई डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है ए डी का, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी डी स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू डी सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4 मल्टीप्लाई डी सी का है 16, कितना आ गया 16 4 64, ठीक है, दैट इज बी डी कितना आ गया √64, दैट इज +-8, ठीक है, बी डी का वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी यहां से निकलेगा, बी डी है हमारे पास 8, ठीक है, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ए बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी है आपका 4, 4 स्क्वायर प्लस बी डी 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 और 8 स्क्वायर 64, तो 16 + 64 कितना हो गया 80, टोटल कितना हो गया 80। ओके, दैट इज ए बी इज इक्वल टू √80, √80 को इस तरह लिख सकते हैं, 240 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद आपका कितना आ रहा है, तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 5 40, अच्छा ये 40 हो गया ना, 40, और हमें कितना चाहिए 80, हाँ, तो यहाँ पे एक और 2 आएगा मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 √5, दैट इज कितना आ गया 4 √5, 4 √5 सेंटीमीटर, ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो
तो इसी तरह ये कैलकुलेट होगा क्वेश्चन नंबर टू। ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओ केंद्रीय वृत्त का ए बी एक व्यास है, वृत्त के ऊपर पी कोई एक बिंदु है, ए और बी बिंदु से अंकित दो स्पर्शक पी बिंदु पर खींचे गए स्पर्शक क्यू एंड आर बिंदु पर कट करती है, देन यदि वृत्त का अर्धव्यास आर हो तो प्रमाणित करें कि पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके तो फटाफट फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी इज अ डायमीटर ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ, तो यहाँ पे अगर सेंटर ओ लेते हैं, ए बी एक डायमीटर खींचते हैं ए बी, ठीक है, ए बी इज डायमीटर एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, पी यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया सर्कल पे, ठीक है, एंड द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी इंटरसेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ए और बी के थ्रू, ठीक है, ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और बी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरह, ठीक है, जो कि पी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसे टच कर रहा है, मतलब कि इस तरह इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बिंदु पे कट कर रहा है और यहाँ ये आर बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। ओके देन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर देन प्रूव दैट पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर इक्वल्स आर स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो रेडियस ऑब्वियसली ओपी होगा, ये होगा, ये आर होगा, ठीक है, तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन करना। ओके सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम सबको मिलाएंगे ओपी ओक्यू और ओआर को, लिखेंगे जॉइन ओपी ओआर एंड ओक्यू, ओ से सबको मिला दिया, ओपी को तो मैं पहले मिला चुकी हूँ, ओआर से मिलाती हूँ, सॉरी ओआर एंड ओक्यू, ठीक है, ये हमने तीनों तीनों को मिला लिया एंड ओक्यू एंड पीक्यू आर दी टेंजेंट्स ऑफ ए एंड बी, क्या है ओक्यू एक्यू सॉरी AQ and PQ, PQ ये टू टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स एट A एंड P, लिखेंगे हियर AQ एंड PQ आर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टेंजेंट्स को हिंदी में स्पर्शक कहा जाता है, AQ और PQ दो स्पर्शक है फ्रॉम पॉइंट A एंड P, ए और पी बिंदुओं से पी क्यू ए क्यू एंड पी क्यू दो स्पर्शक है, ठीक है। ओके सिमिलरली अच्छा तो स्पर्शक है तो जो एंगल बनता है ना स्पर्शक के थ्रू वो इक्वल होता है, दैट इज लिखेंगे ट्रायंगल एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स एंगल पी ओ क्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन करना होगा विथ सेंटर, ओके तो एक चीज यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ए क्यू एंड पी क्यू आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए एंड पी विद द सेंटर ओ, ओ सेंटर से दो टेंजेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो जब भी टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट पे जो एंगल होता है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ क्यू, ए ओ क्यू मतलब ये एंगल पी ओ क्यू के बराबर है, पी ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है, इसे हम नंबर वन दे देते हैं। सिमिलरली सिमिलरली हम एक और चीज प्रूफ कर सकते हैं कि पी आर एंड बी आर दोनों ही आर पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, पी आर एंड बी आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स दो स्पर्शक हैं फ्रॉम पॉइंट, अच्छा ये ना भी लिखे तो चले चलेगा, पी आर एंड बी आर, पी आर एंड बी आर फ्रॉम पॉइंट पी एंड बी, पी एंड बी विथ सेंटर एट ओ, ठीक है, एंड हेंस हम लिख सकते हैं कि एंगल देखो पी आर और बी आर दो ट्रायंगल है ओ से पास कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी जो एंगल बनता है इस टेंजेंट के थ्रू वो इक्वल होता है, दैट इज पी ओ आर, एंगल क्या लिखेंगे पी ओ आर, पी ओ आर इक्वल्स एंगल बी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं नंबर टू, ठीक है। ओके अब देखो कि वन एंड टू से को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग एडिंग वन एंड टू, दोनों को ऐड करते हैं
तो ए ओ क्यू प्लस पी ओ आर होगा इक्वल्स पी ओ क्यू प्लस बी ओ आर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि सॉरी प्लस करना था, ये इसके साथ था, ये इसके साथ, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है? नहीं, ये पहले इक्वल्स करते हैं, सॉरी ये इक्वल ये है, ये टोटल है, इधर से ऐड करते हैं तो ये टोटल इस टोटल के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इन चारों एंगल्स को ऐड करते हैं, इसको 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 इसको, तो ये कितना डिग्री बना रहा है? 360 डिग्री बना रहा है। मतलब कि अगर दो को ऐड करेंगे तो कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। अब ध्यान से देखना है कि ए ओ क्यू किसके बराबर है? पी ओ क्यू के। तो यहाँ पे पी ओ क्यू, अब अगर सबको हम ऐड करते हैं, लिखते हैं कि एडिंग वन एंड टू, ओके, अब सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए ओ क्यू प्लस पी ओ आर प्लस पी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ आर, ठीक है, इक्वल्स 360 मिलेगा हमें। ठीक है, अब रहेगा ए ओ क्यू पी ओ क्यू के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे टू इसके जगह पे हम क्या बैठा देंगे? पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू टू पी ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन से। उसी तरह पी ओ आर बी ओ आर के बराबर है, तो बी ओ आर की जगह पे हम पी ओ आर पुट कर देंगे, दो पी ओ आर हो जाएगा, एक पी ओ आर यहाँ पे दूसरा, तो ये टू पी ओ आर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 360 डिग्री। दैट इज, अगर टू यहाँ कॉमन लेते हैं तो पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू से इसको डिवाइड कर देने पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, 360 बाई टू, तो 180 डिग्री के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, दैट इज हम बोल सकते हैं कि पी ओ आर या क्यू ओ आर जो भी है, सबका वैल्यू अलग अलग से 90 डिग्री होगा। दैट इज एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सबका अलग अलग पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल थे, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, दैट इज अलग अलग इनका वैल्यूज कितना होगा? 90 90। मतलब कि अगर इसका मतलब जो इसके थ्रू जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दैट इज हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि इसके साथ जो भी एंगल ट्रायंगल होगा वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ओआर है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यूआर, ये दिख रहा है। और जब भी परपेंडिकुलर होता है किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो क्या होता है कि उस वो एक दूसरे के साथ दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्वी एंगुलर होंगे। दैट इज पी ओ आर, पी ओ आर इक्वी एंगल, इक्वी एंगुलर होगा पी ओ क्यू के साथ, ये ट्रायंगल इसके साथ इक्वी एंगुलर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, हेंस ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। जब इक्वी एंगुलर होंगे तो इसके साइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। दैट इज क्या लिख सकते हैं? पी क्यू बाई ओ पी इक्वल्स ओ पी बाई ओ आर। दोनों का अलग अलग साइड्स में दिखा देती हूँ। यहाँ पे पी क्यू कहाँ पे है? पी क्यू बाई ओ पी, ठीक है, पी क्यू बाई ओ पी इक्वल्स क्या होगा? ओ पी बाई ओ आर। ठीक है, पी क्यू बाई ओ पी इक्वल्स पी क्यू इंटू पी आर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ओके, तो पी क्यू बाई ओ पी इक्वल्स ओ पी बाई पी आर होगा, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखा दूंगी, पी क्यू ये रहा, ठीक है, पी क्यू बाई ओ पी, ओ पी इक्वल्स ओ पी बाई पी आर होगा। ठीक है, तो इस तरह कंडीशंस बन रहा है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी इंटू पी आर, ठीक है, सॉरी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। ओपी का वैल्यू कितना है, आर है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, यही हमें प्रूफ करना था और यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस बनेगा, अगर बहुत ज्यादा तो एग्जाम में नहीं आता है, अगर एग्जाम में आएगा तो प्लीज आप छोड़िए नहीं, यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक से दो बार देखने से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉरी यहाँ पे थर्ड दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, नेक्स्ट वीडियो में 4, 5 और 6 करेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन ही रह जाते हैं, उसके बाद ये 18.4 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो और इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है, हमारी मेहनत भी काम आती है। ओके, तब तक लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।